मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आओ और इनका जो शियात्सु और युकी है या तो एक बहुत बड़ा लंबा सा 7 घंटे का मसाज है उसे ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जितना इंसान के लिए एक्सरसाइजिंग और हेल्दी खाना पीना ज़रूरी है उतना ही स्पा में जाना और सारे मसाजेस को इंजॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता हो ना हो इतनी सारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हमारी ज़्यादातर होती है एंड देर इज़ नथिंग बेटर देन अ मसाज टू गेट रिड ऑफ दैट होल स्ट्रेस। आई डोंट थिंक मुझ में इतना पेशेंस है कि मैं 7 घंटों के लिए यहाँ कोई मसाज लेती रहूँ, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई आउट अ शॉर्टर वर्जन ऑफ 7 आवर्स विच कुड बी मैक्सिमम 1 आवर प्रॉबेबली। सीरियसली मुझे ऐसे लगता है कि मसाजेस का जो इम्पोर्टेंस है बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं पहले से स्पा जंकी आप मुझे कह सकते हैं, मुझे स्पा में जाना बहुत पसंद है, मैं दुनिया भर पे स्पाज में जा चुकी हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे क्योंकि ये जापानीज़ ओरिएंटेड अपनी स्टाइल का पहला एक स्पा होगा, यहाँ का एक अनुभव अलग होगा, डिफरेंट होगा और इंटरेस्टिंग होगा। एक तो मैं स्ट्रेस में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन स्पा में आने के बाद थोड़ा तरोताज़ा महसूस करते हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि जो भी मन में कन्फ्यूजन चलती रहती है जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो दूर होने में थोड़ी सी मदद हो जाती है। मुझे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं बहुत गलत इंसान हूँ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए पूछने के लिए, पर मुझे वाकई ऐसे लगता है सब कुछ कुल मिला के एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। टिपिकल जो चाय मिलती है, जो सिंपल वाली चाय होती है बिना इलायची बिना मसाला, सादी वाली चाय जो टपरी पे किसी भी स्टॉल पे मिलती है, वो वाली चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ एंड आई स्टार्ट माय डे विद इट।